मोहम्मदाबाद विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी ने डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान बताया कि हमारी प्राथमिकता विधानसभा की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि हमारा विधानसभा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर कर विधानसभा में विकास के मार्ग को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि सबसे विकट समस्या मगई और गंगा नदी के बाढ़ को लेकर है। दोनों नदियों के बाढ़ से हमारे विधानसभा में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की क्षति होती है। हमने ये योजना बनाई कि मगई नदी को जंगीपुर विधानसभा में भैसई नदी से जोड़ा जाए, तो इसका सारा पानी खालिसपुर क्षेत्र में गंगा में चला जाएगा, जिससे मगई के बाढ़ से मोहम्मदाबाद विधानसभा बच जाएगा। गंगा कटान को लेकर सिमरा, शेरपुर और वीरपुर में भारी समस्या है। इस क्षेत्र का अस्तित्व संकट में है। गंगा में उच्च गुणवत्ता युक्त गंगा किनारे तटबंध बनाकर कटान की समस्या को रोका जा सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए भावरकोल में सरकारी जमीन उपलब्ध है। मोहम्मदाबाद मुख्यालय पर ट्रामा सेंटर का निर्माण हो चुका है, लेकिन संसाधन और चिकित्सक के अभाव में ट्रामा सेंटर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। हम संसाधन उपलब्ध कराकर ट्रामा सेंटर को सुचारू रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्र के किसानों की ये समस्या है कि कुछ जमीनें मोहम्मदाबाद विधानसभा में है और कुछ रेवतीपुर विधानसभा में। इसके लिए बछलपुर, सिमरा से लेकर रेवतीपुर तक गंगा नदी में पक्का पुल का निर्माण कराकर सुविधा प्रदान कराना है। उन्होंने कहा कि पखनपुरा का क्षेत्र पूरे प्रदेश में सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास सब्जी और अनाज मंडी का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मदाबाद के सम्मानित मतदाता हमें आशीर्वाद दें और मैं इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा।